अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीओटी न्यूज़ एचडी। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर खारजी दहशतगर्दों के अजायम खाक में मिला दिए। डेरा गाजी खान में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी चौकी लखानी पर 50 से 60 दहशतगर्दों ने रात गए अचानक हमला किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर दहशतगर्द पिस्पा होकर फरार हो गए। डेरा गाजी खान के थाना वाहवा की सरहदी चौकी लखाने पर 50 से 60 खारजी दहशतगर्दों ने रात देर गए चारों तरफ से अचानक हमला किया। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खारजी दहशतगर्दों की निशानदेही पर पुलिस के जांबाजों ने बरवक मशीन गन्स और मार्टर गन से फायरिंग करके जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की भरपूर फायरिंग ने दहशतगर्दों को पिस्पाई और फरार पर मजबूर कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की कमांड आरपीओ डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की एलियट और क्यूआरएफ की बैकअप टीमें फौरी मौके पर पहुंची और डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली ने एलियट टीमों के हमरा फौरी चेक पोस्ट तरमन पर पहुंचकर ऑपरेशन की खुद निगरानी की। एसएचओ थाना वाहवा अपनी नफरी के हमरा पहले से चेक पोस्ट लखानी पर मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का हमला पिस्पा करने वाली पुलिस टीम को शाबाश देकर चौकी पर तैनात तमाम एहलकारों के लिए गैलेंट्री मेडल्स तारीफी असनाद कैश इनामात का ऐलान किया। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि दुश्मन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर सरहदी चौकियों को जदीद तरीन असलहा फराहम किया गया है। सरहदी चौकियों पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सीटीडी रेंजर्स दीगर इदारों के हमरा मोक एक्सरसाइजेज सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। पुलिस शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए दिन रात अलर्ट है। आईजी पंजाब का कहना था कि दहशतगर्दों शरपसंद अनासर को किसी सूरत सूबा में दाखिल नहीं होना दिया जाएगा। पुलिस फोर्स का मोराल बुलंद, दहशतगर्दों का हर हमला नाकाम बनाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें बीओटी न्यूज़ एचडी।